नमस्कार फ्रेंड्स, दुनिया में आपने बड़ी बड़ी संस्थाओं का नाम सुना होगा जो स्वास्थ्य के क्षेत्र में, समाज कल्याण के क्षेत्र में, समाज सेवा के क्षेत्र में काम करती चली आई हैं। आज मैं एक ऐसी संस्था के बारे में बताऊंगा कि जो कि अनूठे कार्य में लगे हुए हैं, श्री श्याम प्रचार संघ। श्री श्याम प्रचार संघ अपने आप में एक अनूठा, एक अद्भुत सेवा जो कैंसर पेशेंट्स के लिए कर रहे हैं, इसके पीछे दो भारत के उन रत्नों का जरूर नाम लेना चाहूँगा, श्री केदारनाथ रासुका जी और मुन्ना अग्रवाल जी, जो अपने आप में एक वैसे समाजसेवी हैं जो लगातार 22 महीनों से कैंसर पेशेंट्स के लिए खाना या उनकी जरूरत की वस्तुओं को उपलब्ध करवाते हैं। आज टाटा नगर में कई एक ऐसी योजनाओं पर ये लोग काम कर रहे हैं जिससे कैंसर पेशेंट्स को आराम मिले, उनको सहूलियत मिले और वो अपने घर ठीक होकर जा सके। जरूरी है कैंसर जिसका नो आंसर। आपको पता है कि सबसे पहले 1775 में ब्रिटिश डॉक्टर पॉट ने कैंसर को डिटेक्ट किया था और उसकी इलाज की शुरुआत की थी। आज 2024 है लेकिन आज भी कैंसर उसी स्थिति में है। आज भी कैंसर के लिए हम बहुत सारे साइंटिफिक रिसर्च और अप्रोच को लगा रहे हैं जिससे इसका आंसर ढूंढ सके, लेकिन बचाव, मरीजों के साथ अच्छा व्यवहार और उनको समाज में एक्सेप्टेंस, ये सारी चीज़ें बहुत मजबूत करती है कैंसर से लड़ने के लिए उन पेशेंट्स को। तो फ्रेंड्स, आज श्याम प्रचार सेवा संघ ने जो लगातार सेवा करती आई है, देखते हैं उनकी सेवा की कुछ झलकियाँ। अपने बीच में एक सकारात्मक दीप को जलाकर आज से यह ठान लें कि अपने आप को आत्मविश्वास से भर लेना है। आत्मविश्वास ही हमें आगे लेकर जाएगा, इससे उबारेगा। चलिए आप लोग आइए। मैडम, मैडम को क्या बोलना है? मुन्ना, हाँ मैडम, उसके बाद ही इस बार श्याम प्रचारक संघ जो कि लगातार कैंसर मरीजों के बीच में कंबल का वितरण, फ्रूट्स का वितरण, उनके भोजन का इंतजाम सब करती आई है, ये बहुत पुनीत कार्य है अपने शहर में। क्या कहेंगे आप इस विषय में, क्योंकि आप स्वयं ये सब कार्यों को अपने विधानसभा क्षेत्र में और झारखंड में करती रहती हैं, क्या कहेंगे आप? ये पूरा बहुत ही महत्वपूर्ण काम है जो पूरा टीम को, केदार चाचा के साथ साथ पूरा टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि इस तरह अब 22 महीने से सेवा दे रहे हैं इसके लिए। और कैंसर पेशेंट जो भी यहाँ पर हैं उन लोगों को फल और खाना और कंबल दिया गया अभी। तो दीदी, क्या ऐसे कार्यों को हर सामाजिक संस्थाओं को करते रहना चाहिए, क्या कहना चाहेंगे उनके लिए, क्या संदेश है? हर सामाजिक, हर व्यक्ति को थोड़ा बहुत सेवा और भावना जरूर करना चाहिए। धन्यवाद, धन्यवाद। आपके आने का धन्यवाद ज्ञापित करता है। आज का हमारा ये 22वां महीना है रोटी वितरण का, खाना वितरण का। हर साल हम लोग इसको अपना वार्षिक उत्सव के रूप में इसको मनाते हैं और आज हम लोग विशेष करके आमंत्रित किए हैं टाटा वर्कर्स यूनियन के अध्यक्ष चौधरी जी को, DSP साइबर आई हुई हैं, ईचागढ़ की विधायिका सविता महतो जी हैं, बिष्टुपुर थाना के थाना प्रभारी विष्णु जी आए हुए हैं और आज हम लोग कम्बल का भी वितरण कर रहे हैं, फल का भी कर रहे हैं, रोटी का भी कर रहे हैं। हम लोग चाहते हैं कि ये कार्य हम लोग का बराबर चलता ही रहे। सर, आप लगातार सामाजिक कार्यों से जुड़े रहते हैं, एक गुड पुलिसिंग का एग्जाम्पल लोग आपसे दिया करता है कि गुड पुलिसिंग का एग्जाम्पल बीपी राउत सर से कोई सीखे। सर, क्या कहेंगे ये श्याम प्रचारक संघ जो ये कार्य कर रही है उसके विषय में क्या कहना चाहते हैं आप? श्याम प्रचारक संघ जो कार्य कर रही है ये अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण काम है और इसमें हर लोगों को सहयोग करना चाहिए। है क्या कि देखिए, जितने भी पृथ्वी पर जीव जंतु हैं सब ईश्वर का रूप है
और प्रत्येक मनुष्य को सबकी सेवा करना चाहिए, लेकिन कहा गया है कि मानव धर्म और मानव सेवा से बढ़ के कोई सेवा नहीं है। अब मैं यही कहूँगा कि श्याम प्रचारक संघ के द्वारा, केदार चाचा के द्वारा जो कर रहा है, और हम लोगों की थोड़ी सी भागदारी हो तो हम लोग अपने आप को बहुत बड़ा मैंने गर्व महसूस करते हैं। मैंने क्या कह सकते हैं, हम लोग उस कुछ कर्म किए होंगे अच्छा जो इसमें सहयोग कर पा रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। इसमें सबको सहयोग करनी चाहिए और हर समय सहयोग करनी चाहिए। हम लोग से जिस वक्त थोड़ी सी बात होती है तो हम लोग तुरंत आके प्रयास करते हैं कि इसमें सहयोग होना चाहिए। आज उनके साथ विपत्ति और पीड़ित के साथ खड़ा रहना, ये अपने आप में मानव धर्म का सबसे बड़ा। युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे इस कार्यक्रम? युवाओं, आज के युवा जो विचलित हो रहे हैं, आप देखे होंगे जो भी पर्व त्यौहार हो रही है, अभी 1 जनवरी भी था, उसमें भी लोग शराब और दूसरे में पूरा लिप्त रहते हैं और जिससे अव्यवस्था फैलती है। मेरा कहना कि आप अच्छे कर्म करें, चूँकि मनुष्य में जन्म लेने अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, और कहता कि जितने भी योनि है उसमें सबसे महत्वपूर्ण मानव योनि है, उसमें आपने जन्म लिया है और जो भी जन्म लेता है उसकी मृत्यु होना स्वाभाविक है। तो कुछ अच्छा कर्म करें। आप जो ऐसे बर्बाद कर रहे हैं, पी करके लड़ रहे हैं, लड़ा रहे हैं, दोस्त से भी कर रहे हैं, कुछ मानव सेवा में करें तो उससे क्या होगा कि हमारा सबका कल्याण होगा, समाज का कल्याण होगा, विश्व का कल्याण होगा और उसका स्वतः कल्याण होगा। इसलिए मैं सबको, युवा पीढ़ी को इस माध्यम से, को तक भटके नहीं, इसमें थोड़ा सा आप सोच समझ करके मानव सेवा के प्रति जागरूक रहें, करें तो अपने आप में एक देश एक ऊंचाई पर पहुंचेगा और लोग अब एक दूसरे के जो विपत्ति हो रही, दिक्कत हो रही वो कम होगी और एक दूसरे का सहयोग मिलेगा और लोग आगे बढ़ेंगे, एक अच्छा समाज का निर्माण होगा। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। ये टाटा वर्कर यूनियन रेस्ट हाउस में पहले हम लोग का खाना वितरण होता था। एक दिन चाचा जी आने बोले कि रोटरी सेल्टर में क्यों नहीं, वहाँ भी तो बहुत से गरीब कैंसर पेशेंट रहते हैं। तो पहले हम लोग खाली टाटा वर्कर यूनियन में ही बांटते थे, उसके बाद चाचा जी का आदेश हुआ कि नहीं, आज से रोटरी सेल्टर में भी खाना बटेगा। 22 महीना लगातार श्याम प्रचार संघ सेवा करती आई कैंसर मरीजों का, जो मानवीयता के बिल्कुल करीब है और मानव सेवा में सबसे अग्रणी है, क्या कहेंगे इस विषय को लेकर? देखिए, आज सबसे बड़ा बात यह कि कैंसर का नो आंसर है, और हमारे संस्थापक परम आदरणीय चाचा जी श्री केदारनाथ जयसुखा जी के नेतृत्व में आज हम लोग 22 महीना से कंटिन्यू कैंसर पेशेंट को हम लोग भोजन खिला रहे हैं दोपहर का। इनका श्रेय हमारे संस्थापक और हमारे संस्था का अध्यक्ष आदरणीय नंदू बाबू का श्रेय पूरा इन दोनों के ऊपर जाता है। हम लोग आदरणीय संस्थापक श्री केदार चाचा का हम लोग कर्मठ सिपाही है, इनका आदेश का हम लोग पालन करते हैं और इनका आदेश को हम लोग फॉलो करते हुए हम लोग निरंतर आज 22 महीना से कैंसर पेशेंट का सेवा कर रहे हैं। और मुझे बहुत खुशी है कि आज हमारे संस्थापक आदरणीय चाचा जी ने ये सेवा के लिए हम लोग को लगाया है। इसके लिए मैं, खास करके मैं और मेरा पूरा परिवार आदरणीय चाचा जी को कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ जो ऐसा काम के लिए मुझे लगाया। जी, ये लगातार सेवा चलती आई है बाबा श्याम के नाम पर, और खास करके उन मरीजों के लिए जिसको देखने वाला कोई नहीं होता, बहुत कम लोग होते हैं। तो आप लोगों के युवा संघ या जो आपके संगठन हैं, उन सब लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे आप? देखिए, जमशेदपुर में तो एक से एक मारवाड़ी संस्था है और इतने संस्था है, अगर किसी के पास में अगर जाकर डोनेशन के लिए बोलो तो लोग अगल बगल झांकते हैं। अगर एक तो पंखा देते हैं तो 3 पीढ़ी का नाम लिखाते हैं, एक पत्ती में एक नाम। तो उस हिसाब से आज देखिए, आज 22 महीना हो गए, 22 महीना में 22 लाख रुपया आज हम लोग कैंसर पेशेंट को खाने के पीछे में दे दिए। खाली 22 लाख रुपया हम लोग नहीं गिनेंगे, बहुत से कैंसर पेशेंट ऐसे आते हैं डॉक्टर साहब कि जिसको केमो का पैसा नहीं है, किसी को रेडिएशन का पैसा नहीं है, किसी को जाने का पैसा नहीं है, कोई आदमी डेथ कर गया उसका डेड बॉडी जाने का पैसा नहीं है। वैसे काम में हमारे संस्थापक आदरणीय चाचा जी के नेतृत्व में हम लोग सब मिलकर करते हैं। हमारे चंदन भैया है, प्रहलाद भैया है, रामजी भैया है और हमारे संस्था के महासचिव आदरणीय बड़े भाई महेश भैया है, इनका भी हमेशा सहयोग रहता है। और हम लोग खास करके चाचा जी मुझे यहाँ डिपूट किए हैं क्योंकि मेरा भी काम कैंसर हॉस्पिटल में चलता है, और जब जब हम लोग ने चाचा जी को बोला कि चाचा ये बहुत गरीब पेशेंट है, इसको ट्रीटमेंट में दिक्कत है, चाचा जी ने तुरंत बोला कि आकर के पैसा लो और उसका ट्रीटमेंट कराओ, उसको कोई चीज़ का कमी नहीं होना चाहिए।
जी, आगे क्या इस संस्था की कोई और योजना जो आप लोग कुछ करना चाह रहे हो और उसमें आपको समाज से कुछ अपील करनी हो? नहीं, योजना तो देखिए भैया डॉक्टर साहब, हम लोग का तो बहुत सा योजना है, खाली हम लोग खाली खाना बांटने तक ही हम लोग सीमित नहीं है। आज राजस्थान में खाटू नगरी में आज हम लोग का 7 तल्ला धर्मशाला, आज एक झारखंड की शान है आज हम लोग का धर्मशाला। आज हमारे संस्थापक के द्वारा और हमारे जितने भी ट्रस्टी उनके द्वारा आज झंडा गाड़ रही है हम लोग का राजस्थान में 60 रूम हम लोग के धर्मशाला में है। और एक क्या बोले मतलब होटल रामाडा और सेंटर पॉइंट भी फैले वो जो हम लोग के धर्मशाला है। आज स्वीट्स रूम भी है, सारा कुछ है। और भी बहुत से गरीब पेशेंट को चाचा जी ने शादी करवाया अब बहुत कम पैसे में। आज जमशेदपुर के जो भी आदमी जाते हैं वहाँ पर ही जाके आने के बाद में एक बार केदार चाचा को जरूर बोलते हैं कि चाचा आप खाटू में जन्नत बना दिए। तो खाली खाने तक ही हम लोग सीमित नहीं है। अभी अब फरवरी मार्च महीना में हम लोग का फागुन का मेला लगता है, चाचा जी के नेतृत्व में 150 आदमी हम लोग पुरुषोत्तम एक्सप्रेस से जाते हैं, वहाँ पर ही पूरा भजन कीर्तन 8 दिन 10 दिन हम लोग वहाँ पर ही भंडारा चलता है। सुबह का नाश्ता, दोपहर का खाना, रात का खाना निस्कूल, उसके बाद केसर का दूध। ये हमारे परम आदरणीय संस्थापक श्री केदार चाचा का देन है, जो हम लोग यही चाहेंगे कि हमारा चाचा हमेशा निरोग और तंदुरुस्त रहे और हम लोग इनके साथ में कंधा से कंधा मिलाकर चले। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए चाचा जी, सब आपका नाम अब चाचा जी ही हो सकता है क्योंकि एक नेहरू चाचा और दूसरे केदार चाचा। तो नेहरू चाचा बच्चों के चाचा और केदार चाचा मरीजों के चाचा और हम युवाओं के चाचा। क्या कहेंगे हम सबों को कि जिससे कि ये सेवा और बढ़ती रहे और ज्यादा से ज्यादा मानव कल्याण का कार्य होता रहे। आप लोग जो प्रेस के द्वारा हम ये कहना चाहेंगे आप लोगों को कि ये संदेश जो श्याम प्रचार संघ कर रही है ये पूरे जहां तक आप लोग का विस्तार है वहां तक है, इसको फैलाएं, जिससे हम लोग को देख करके ये संस्था को देख करके हम लोग का अनुकरण करें तो बहुतों का भला होगा, ऐसा मेरा सोच है जी। बहुत बहुत धन्यवाद चाचा, आपकी सेवा के लिए इंडिया टीवी ऑनलाइन आपको बहुत बहुत बधाई देती है और चाहती है कि आप जैसे लोग जो भारत के रत्न हैं देश की सेवा करते रहें। नमस्कार फ्रेंड्स, कैंसर शरीर में स्टेज वाइज इम्प्रूव होता है और शरीर को डैमेज करता है। अगर पहले पता चल जाए फर्स्ट स्टेज में तो कैंसर की रोकथाम संभव है। अगर ये सेकेंड थर्ड फोर्थ स्टेज में पहुँच जाता है तो इसका रोकथाम करना कठिन होता है। तो आप हम सबको अवेयर होना चाहिए, हेल्थ चेकअप, बॉडी चेकअप लगातार करते रहना चाहिए, अपने फूड हैबिट्स को ठीक रखना चाहिए। अगर कोई समाज में कैंसर पीड़ित है या कोई भी ऐसी बीमारी से पीड़ित है जिसका इलाज असंभव है या कठिन है, उसकी मदद करनी चाहिए, क्योंकि हम सब लोग एक समाज के, एक परिवार के सदस्य हैं जिसमें हम सबों को एक दूसरे के साथ सुख दुख को बांटकर जीवन जीना है। इंडिया टीवी ऑनलाइन उन सभी संस्थाओं को जो सभी मरीजों के लिए, खासकर उन सब मरीजों के लिए जिसकी देखभाल करने वाले कोई नहीं है, उन सब संस्थाओं को जो उनकी देखभाल कर रहे हैं उनको सैल्यूट करती है और उनको बहुत बहुत बधाई देती है कि इतने बड़े मानवीय कार्य को करके वो भारत के नाम को पूरी दुनिया में रोशन कर रहे हैं और भारत की सेवा में लगातार जुटे हुए हैं। इंडिया टीवी ऑनलाइन के वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। नमस्कार, डॉक्टर अनु शर्मा के साथ।